तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये है एटीएम चार्ज, इसमें क्या कुछ है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड वाले बाइक करवाते हैं सुपर स्प्लेंडर प्लस में, उस टाइप का लुक आ रहा है, कुछ खास इसका लुक नहीं है, लाइट वेट बनाया गया क्योंकि अब तो फायदा कर सकते हैं। स्पोक डिस्क ब्रेक लाइट वेट होता था और इसके अंदर टाइप का बनाया गया ये कुछ यहाँ से है और ये थोड़ा सा उसे तो आती है दूसरा कलर सब डिटेल्स कुछ बता सकते हैं उसको। हाई माई सेल्फ आनंद, आई एम रिप्रेजेंटिंग हैदराबाद ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। We are a new startup company based at Hyderabad and it's a subsidiary of Vishakha Industries Limited and we have network across the country for Vishakha Group and it is one of the subsidiary and a new startup but come up from Hyderabad location. We have a manufacturing plant in Hyderabad currently and we have come up with Atom 1.0. It's a first variant of a motorcycle from our side and this is costing about 50,000 to the end users. For this vehicles, no registration, no driving license required. Anybody can drive, anybody can, for a short distances, anybody can drive this vehicle. This is our first vehicle and our new next plans are, we are coming up with the high speed vehicles. Next is 40 kilometer speed and 70 kilometer speed. That would be launched very soon in the next couple of months. So that can take it up in a city market, city roads for a high speed purpose. So it is purely developed with a solar power energy because we are coming out with a unique concept, setting up a solar power charging stations and also the batteries charge from our power generated from solar panels. Okay, so we are offering dealership as well across the country and we started sourcing and building a dealer network across the country. So we are coming up with a unique concept, Atom charge stations and Atom two-wheelers dealership. So it will be a unique concept we are taking up and promoting across the country. And with the coming up, upcoming new products, we'll have totally three variants that would be offered to our Indian market, to our end users. ये तो अभी कस्टमर प्राइस अभी 50,000 पे दे रहा है, एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड जीएसटी। कस्टमर के लिए डीलर इसके लिए आपको ना तो ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा और ना ही आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। इसका जो है जो रेंज है वो 100 किलोमीटर पर आवर का इसका आपको रेंज देखने को मिल जाएगा और 25 किलोमीटर का आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। तो ये एक तरफ से मान सकते हैं कि लाइट वेट है जिसका आपको हाई स्पीड जिसमें नहीं है, इसके वजह से आपको ना ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन चाहिए। और इसका जो प्राइस है वो लगभग 50,000 रखा गया है और ये मॉडल ये आपको 1.0 इलेक्ट्रिक देखने को मिलता है और आने वाले टाइम में हाई स्पीड ये लोग बनाने वाले हैं। ये में आपको डिस्प्ले टाइप का देखने को मिल जाता है जो कि स्टॉप करते हैं जो साइकिल वगैरह डिस्प्ले को, इससे कहीं ये मेरा और भी कलर में ये आपको देखने को मिल जाता है जो कि ये आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर में और ये आपने जो देखा था ये आपको ग्रे कलर में देखने को मिलता है। ये आपने जो बोला था वो आपको रेड कलर में देखने को मिलता है। ये तो नेक्स्ट वीक में तो आइटम 1.0 इसमें भी सेम है, ये उसका सेकंड कलर ब्लू कलर में सेम में आपको ये देखने को मिल जाता है। मैं सब कुछ LED वगैरह यूज़ किया गया और इसे कहीं एक वाइट कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1.0। तो काफ़ी सारा मॉडल आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है क्योंकि ईवी कहीं इंडिया में जमाना होने वाला है। टायर वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे टायर उसमें दिए गए, यहाँ पर आपको बैटरी वगैरह देखने को मिल जाता है, लाइट वेट बनाया गया तो ना ही आपको इसमें झंझट है किसी चीज़ के बारे में ऐसे नहीं लगा। तो यहाँ पे देख सकते नेक्स्ट उसके बाद रेंज इसका कितना है इसका अभी दिस इज़ अ लो स्पीड वेरिएंट, इट द स्पीड इज़ 25 किलोमीटर पर आवर एंड द अपकमिंग मॉडल्स आर 40 किलोमीटर स्पीड पर आवर एंड अनदर वन इज 70 किलोमीटर स्पीड पर आवर।
and this range is per charge, it will run 100 kilometers range and it will take up to 130 kilo payload. Thank you, sir. Thank you so much.